दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर एक बार फिर से फुकरा इंसान छा चुके हैं। जी हां दोस्तों, फुकरा इंसान यहां पर दूसरे राउंड में मनीषा की जूरी की भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने 3 में से 2 पॉइंट में जिया को अपराधी यानी कि गिल्टी बना दिया। दरअसल दोस्तों, मनीषा रानी ने अभिषेक को अपना ज्यूरी बनाया था और जिया ने, जो कि घर की कैप्टन है, उन्होंने अविनाश को अपना ज्यूरी चुना था। इस दौरान दोस्तों यहां पर मनीषा ने 3 आरोप लगाए थे जिया के ऊपर। कि पहला आरोप तो ये था कि उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो ठीक तरीके से नहीं निभाई है कैप्टनसी के दौरान, जो कैप्टन को काम करने चाहिए थे बिल्कुल भी ठीक से नहीं किए। दूसरा आरोप ये था कि मनीषा रानी को बार बार जिया अपनी कैप्टनसी के दौरान टारगेट करती है। कभी वो मनीषा को सोने के लिए टोक देती है, क्योंकि मनीषा रानी बेडरूम में नहीं सोती है, हॉल में सोती है, इस चीज़ का वो विरोध करती है और उनकी हेल्थ का ख्याल नहीं करती है, जबकि दूसरों की हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। वहीं दोस्तों, मनीषा रानी ने यहाँ पर जिया पर तीसरा आरोप ये लगाया कि बेगुनाह होते हुए भी उन्होंने मनीषा को जेल में डाला। जी हाँ दोस्तों, जिया ने जिस तरीके से बिना कोई बात किए केवल अपनी पर्सनल ग्रजेस को लेकर मनीषा को जेल में डाला था, उस चीज का यहाँ पर मनीषा ने शिकायत ली है। और दोस्तों इस दौरान यहाँ पर मनीषा के ज्यूरी की भूमिका निभा रहे अभिषेक यानी कि फुकरा इंसान ने मनीषा का साथ देते हुए 2 पॉइंट में जिया को गलत ठहराया है और उनकी कप्तानी के दौरान उनको अपराधी माना है यानी कि गिल्टी बताया है। क्योंकि दोस्तों जेल वाले टास्क में सरासर देखा जाए तो जिया ने अपने पर्सनल ग्रजेस यहां पर निकाली है। वहीं दोस्तों मनीषा की हेल्थ को लेकर जिस तरीके से जिया उनके पीछे पड़ी हुई है, उस पॉइंट में भी कहीं ना कहीं जिया शंकर गलत थी। फिलहाल दोस्तों आपको फुकरा इंसान का ये अंदाज कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी फुकरा की इन बातों से सहमत हैं तो अपनी राय कॉमेंट में जरूर लिखें।